प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो चलिए अपनी किताब निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 6। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्ताक्षर के ऊपर। आइए जानें कैसे बने ये संयुक्ताक्षर। सो बच्चों, हमारा यहाँ पे संयुक्ताक्षर है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ये सभी अक्षर कैसे बने। तो बच्चों, पहला अक्षर है क्ष। तो पहला अक्षर जो हमारा है वो छ है। तो कैसे बना ये क्ष? ये जो हमारा अक्षर है क्ष, वह बना है क। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपनी किताब में क के नीचे एक हलंत है। तो इसका मतलब है बच्चों कि हम लोग क का उच्चारण आधा करेंगे, ठीक है। ये क विशुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर की मात्रा विलुप्त है, नहीं है। तो बच्चों, क प्लस श, यहाँ पर हम लोग मूर्धन्य श देख रहे हैं और क, तो क, ये हम लोग क को आधा बोलेंगे। ये हलंत का मतलब है आधा उच्चारण करना हमें क का। तो क प्लस श हो जाएगा श। और ये छ से हम लोग बना सकते हैं शब्द क्षत्रिय, जैसा कि आप सभी चित्र में देख रहे हैं, या क्षत्राणी। पुरुष को हम लोग क्षत्रिय बोलेंगे और स्त्री को क्षत्राणी। तो छ से बना क्षत्रिय और क्षत्राणी। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली अक्षर की ओर, जो है त्र। हमारा अगला अक्षर है त्र। तो बच्चों, त्र कैसे बना है? त, तो हम लोग त का उच्चारण आधा करेंगे, ठीक है। त, त प्लस र, त जोड़ र, त जोड़ र से बना त्र। तो चलिए, त्र से हम लोग शब्द बनाते हैं, जैसा कि आप सभी चित्र में देख रहे हैं, त्रिशूल। त्र से त्रिशूल या फिर त्रिकोण। त जोड़ र, त्र। अगला हमारा अक्षर है ज्ञ। तो ज्ञ बच्चों बना है ज, ज जोड़ य, ज्ञ। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ ज का उच्चारण हम लोग आधा करेंगे, क्योंकि ज के नीचे हलंत है। ज जोड़ इया। ज्ञान। तो बच्चों, ज्ञ से चलिए शब्द बनाते हैं, ज्ञान, और दूसरा शब्द ज्ञानी। अगला हमारा अक्षर है श्र, जो कि बना है तलाब्य श, श प्लस र, श। श प्लस र, श्र। बच्चों, आप सभी उच्चारण करते समय ध्यान रखिएगा कि हम श का उच्चारण आधा करेंगे, ठीक है। श के नीचे हलंत, तो श जोड़ र, श्र। तो चलिए, श्र से शब्द बनाते हैं, श्रव्य, और दूसरा श्रोता, जो सुन रहे हैं। तो बच्चों, अब आ जाइए पृष्ठ संख्या 7 पे। अब हम बढ़ेंगे मात्रा की बोध की ओर, और पहला जो हमारा है मात्रा वो है
आ की मात्रा, ठीक है। बच्चों आज हम लोग मात्रा के बारे में सीखेंगे। तो आ की मात्रा बच्चों हम लोग ऐसे एक ऊपर में लंबा लकीर तानेंगे और फिर नीचे एक ऐसे लकीर, यह हो गया हमारा बच्चों आ की मात्रा। आ बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे अक्षर मिलकर आ की मात्रा कैसे बना रहे हैं, जैसे क, क जोड़ आ क्या हो जा रहा है बच्चों, का, क जोड़ आ ये बन जा रहा है का। उसी प्रकार बच्चों ख, ख जोड़ आ ख, ग जोड़ आ गा, घ जोड़ आ बच्चों हो जा रहा है घा, च जोड़ आ चा, छ जोड़ आ छा, ज जोड़ आ जा, झ जोड़ आ छा, ट जोड़ आ टा, ठ जोड़ आ ठा, ड जोड़ आ डा, ढ जोड़ आ ढा, ण जोड़ आ ना, त जोड़ आ ता, थ जोड़ आ था, द जोड़ आ दा, ध जोड़ आ धा, प जोड़ आ पा, फ जोड़ आ फा, ब जोड़ आ बा, भ जोड़ आ भा, म जोड़ आ मा, य जोड़ आ या, र जोड़ आ रा, ल जोड़ आ ला, व जोड़ अ वा, श जोड़ अ शा, स फिर मूर्धन्य ष जोड़ अ शा, दंती स जोड़ अ सा, ह जोड़ अ हा, श जोड़ अ शा, छ त्र जोड़ अ त्र, ज्ञ जोड़ अ ज्ञा, श जोड़ अ शा। तो बच्चों सभी हमने यहाँ पर व्यंजन के साथ आ की मात्रा को लगाकर मात्रा सीखा है, आ की मात्रा, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग लिखते हैं न जोड़ आ, तो बच्चों क्या हो जाएगा न जोड़ आ ना, तो बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे न अक्षर और उसके साथ हम लोग कैसे मात्रा लगाएंगे, ये एक नीचे लकीर, ये हो गया ना, तो न जोड़ आ हो गया हमारा ना। उसी प्रकार स जोड़ आ, स जोड़ आ यह हो जाएगा बच्चों सा, ज जोड़ आ यह हो जाएगा बच्चों जा, स र जोड़ आ यह हो जाएगा रा। तो बच्चों आ जाइए पृष्ठ संख्या 8 पर, यहाँ पर बच्चों मात्रा लगाकर शब्द बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आ जोड़ म हो गया बच्चों आम, फिर है हमारा शब्द माला, तो देखते हैं बच्चों माला कैसे बना है, दोनों में आकार की मात्रा है म में और ल में, जैसे म जोड़ आ हो गया बच्चों मा और ल जोड़ आ हो गया ला, उसी प्रकार क जोड़ आ हो गया बच्चों का और न, तो क्या हो गया कान, उसी प्रकार ब जोड़ आ हो गया बा और जोड़ घ बाघ,
तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप घर पर ऊंची आवाज में पढ़िएगा, ठीक है। अब आ जाइए पृष्ठ संख्या 9 पर। चित्रों को उनके नामों से जोड़ें। तो बच्चों यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और चित्र भी हैं, तो हमें चित्रों के साथ नामों को जोड़ना है। पहला हमारा शब्द है बच्चों टमाटर। तो यह देखिए बच्चों यहाँ पर लाल रंग का टमाटर, आप सभी रसोई घर में टमाटर तो ज़रूर देखे होंगे। तो चलिए बच्चों टमाटर को जोड़िए चित्र के साथ, यह लाल रंग का टमाटर। फिर है बच्चों 4। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं एक हाथ और 4 अंगुलियाँ देख रहे हैं, तो हम इस 4 अंगुलियों को जोड़ेंगे, ये शब्द 4, 4 को ये चित्र अंगुलियों वाले 4 उसके साथ जोड़ेंगे। फिर है बच्चों नाक, तृतीय शब्द है हमारा नाक, तो उसे हम इस चित्र नाक के चित्र के साथ जोड़ेंगे, नाक। फिर है बच्चों पायल, तो पायल हमारा यहाँ पे बच्चों इस चित्र के साथ जोड़ेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर पायल का चित्र है, तो पायल को इस चित्र के साथ जोड़ेंगे। अब बच्चों रिक्त स्थान पर आ की मात्रा लगाएं, शब्द को लिखें और पढ़ें। तो चलिए बच्चों हम आ की मात्रा को लगाते हैं, जैसे कि ध जोड़ आ, क्या हो गया बच्चों धार। ध जोड़ आ धा और जोड़ र धार। उसी प्रकार बच्चों हमें यहाँ पर मात्रा को लगाना है, ब और ल है, तो यहाँ पर हमें आ की मात्रा लगानी है, बाल। यह हो गया हमारा शब्द बाल। फिर है बच्चों ज और ल, तो हम आ की मात्रा लगाकर बनाएंगे, जाल। ज ये हमारा हो गया आ की मात्रा और ल जाल। फिर बच्चों ब और ज है, तो हमें दोनों में आ की मात्रा लगानी है और ये बन जाएगा बा जा। ब में आ की मात्रा और फिर ज में आ की मात्रा, तो यह हो जाएगा बच्चों हमारा बाजा शब्द। फिर है ग ज र, तो हमें ग के पास आ की मात्रा लगाकर बनाना है, गा गा ज र गाजर। गाजर। फिर है बच्चों अ न र, तो हमें ना के पास आ की मात्रा को लगाकर बनाना है, अ ना र अनार। अ ना र अनार, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों आ जाइए सही शब्द चुनकर भरें। हमारा पहला है राम छाता, अब हमें सही शब्द को चुनना है, आ होगा या ला होगा। तो बच्चों राम छाता आ तो नहीं होगा, ला, राम छाता ला। तो पहला हो जाएगा बच्चों राम छाता ला। फिर दूसरा है बच्चों माला बाजा
माला बाजा बजा। बाजा तो नचा नहीं होगा बच्चों, बजा। माला बाजा बजा। बच्चों आप सभी ध्यान दीजिएगा कि सभी में आ की मात्रा है ना, सभी शब्दों में आ की मात्रा है। फिर तीसरा है हमारा वाक्य, माता का कहना मान। माता का कहना मान। फिर है बच्चों चौथा वाक्य, फल वाला आम लाया। फल वाला आम लाया। बच्चों अब आप आ जाइए पृष्ठ संख्या 10 पे। शब्दों को पढ़ें और अंतर समझें। बच्चों यहाँ पे अ की मात्रा वाले शब्द हैं, आ की मात्रा वाले शब्द हैं और फिर बिना मात्रा वाले शब्द हैं, तो हमें पढ़ना है और अंतर भी समझना है। जैसे कल, कल शब्द में बच्चों कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन अगर हम क के साथ आ की मात्रा को लगा दें तो हो जाएगा काल। ये शब्द परिवर्तन। फिर बच्चों चल, चल शब्द बिना किसी मात्रा के है और हम अगर इसे आ की मात्रा च के साथ लगा दें तो हो गया चाल। फिर है बच्चों पल, पल के साथ आ की मात्रा लगाने से पाल। उसी प्रकार मल, मल के साथ आ की मात्रा लगाने से माल। फिर चर, चर के साथ आ की मात्रा लगाने से चार। फिर है बज, बज के साथ आ की मात्रा लगाने से बाजा। तो बच्चों अब हम अ और आ की मात्राओं से बने शब्दों को नीचे अलग अलग करेंगे और लिखेंगे। बच्चों हमारा पहला शब्द अ की मात्रा अ में दिया हुआ है, अब, और फिर आ की मात्रा में है आज। तो बाकी के बचे शब्दों को हमें ढूंढना है और अ की मात्रा के नीचे लिखना है अ वाले और आ की मात्रा के नीचे लिखना है आ वाले, ठीक है शब्द। तो चलिए अ और आ। तो पहला हो जाएगा बच्चों अ की मात्रा वाले शब्द के नीचे अचिकल, अ च क ल अचकल। फिर हो जाएगा बच्चों कल, क क ल कल। फिर हो जाएगा बच्चों अमर, अ म र अमर। अब आ की मात्रा के नीचे लिखते हैं बच्चों, पहला हो जाएगा बाजा और फिर दूसरा हो जाएगा बादल, बादल बादल। तीसरा हो जाएगा बच्चों खाल, खाल खाल। तो बच्चों हमने आ की मात्रा को समझा, पढ़ा और अभ्यास किया। अब हम अगली वीडियो में हरस ई यानी छोटी ई की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे।